जय श्री राधे। इस विषय में अनेक बार पहले भी निवेदन किया जा चुका है। यदि संकीर्तन हो रहा हो तो जप नहीं करना होता है। जप को विश्राम दे के, माला झोली को गले में डाल के, जो संकीर्तन हो रहा है वो हम समझ में आए तो बोलें, नहीं तो ताली बजाएं। उस संकीर्तन में संकीर्तन करने लग जाएं। संकीर्तन में यदि नाम जप किया जाए तो अपराध होता है। यदि श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव कथा कह रहे हैं और हम कथा में गए हुए हैं, तो माला झोली लेके जाएं और जप करें। घर में भी जब हम बैठें जप करें तो जप करने से मन इधर उधर जाता है। तो निश्चित रूप में मोबाइल पर यूट्यूब चैनल या किसी संत गुरुदेव को चैनल ऑन कर लें और उनका श्रवण लगा लें। 1 घंटे की उनकी कोई कथा लगा लें, उसको सुनते रहें और नाम जप करते रहें। छोटी छोटी कथा भी, जैसे विनोद बाबा हैं, पुंडरीक महाराज हैं, राजेंद्र दास जी हैं या हरिनाम प्रेस का चैनल है, उसको आप लगा दें। ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी वो असुरों पर कृष्ण कृपा या दूसरे दूसरे चल रहे हैं, वो लगा लें और आप श्रवण के साथ साथ नाम जप कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप कोई ग्रंथ पाठ कर रहे हैं तो ग्रंथ पाठ में तो मुझे लगता है कि शायद नाम जप नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि अभ्यास है हो पाएगा, तो आप ग्रंथ को पढ़ते रहें और जप करते रहें, कोई मना नहीं है। केवल संकीर्तन के समय मना है, चलते फिरते बैठते उठते जप कर सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में। लेकिन बेहतर से बेहतर यही होगा कि आप एक आसन पर बैठ के जितनी अधिक देर करेंगे उतना अच्छा होगा। आसन पर मान लीजिए आप 4 घंटे जप करना है, 4 घंटे नहीं बैठ पाते हैं, तो 1 घंटे आसन पर कर लीजिए, फिर थोड़ा चल फिर लीजिए, फिर आधा घंटा फिर आसन पर बैठ जाइए, फिर चल फिर लीजिए, कर लीजिए। नाम को मत छोड़िए, आसन पर बैठ पाएँ या ना बैठ पाएँ, लेकिन दिमाग में ये रहना चाहिए कि जितना अधिक यदि हम आसन पर बैठ पाएंगे उतना आसन पर बैठ के किया हुआ जप अधिक फलदायी होता है, मन भी लगता है और आप श्रवण भी साथ साथ कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।